नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे करेले की फसल में मोज़ेक रोग के बारे में, कि इसका लक्षण क्या है और ये रोग क्यों लगता है पौधों में और इसका नियंत्रण जो है कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। पौधों का विकास जो है वो सबसे पहला लक्षण इसका जो होता है, पौधों का विकास रुक जाता है। जिस कंडीशन पे आपके पौधों पर फंगस का प्रकोप होगा उसी कंडीशन पे पौधे रुक जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। उनकी जो पत्तियां निकलती हैं सिरे से, जो ऊपर उनकी पत्तियां नहीं निकलती हैं, वो सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी आपको, एकदम से कटी हुई सिकुड़ी हुई एकदम छोटी सी दिखाई देंगी। तो ये जो है ये पहला लक्षण होता है मोज़ेक रोग का, कि आपके फसल में मोज़ेक जो है रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है, ये पहला लक्षण। दूसरा है कि जब ये पौधे के ऊपर इसका बैक्टीरिया जो होता है वो और प्रभावशाली हो जाता है, तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो निचली पत्तियां होती हैं, वो पीले रंग की होने लगती हैं धीरे धीरे। पहले धब्बा बनता है, फिर पूरी पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। यदि उसके बाद भी इसका उपचार ना किया जाए, सही जानकारी ना सही दवाई का प्रयोग किया जाए, तो पौधे जो है वो बिल्कुल सूख जाते हैं। और अगर नहीं सूखेंगे तो वो फ्लावरिंग और फलिंग जो है, ना तो उसमें फल लगेगा और ना ही जो फूल लगेगा वो गिर जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जिन किसानों का पौधा बड़ा हो जाता है फ्लावरिंग के कंडीशन पे, उसके ऊपर जो है ये रोग का अटैक होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो गिर जाते हैं सारे और उसमें जो है फल नहीं बनते हैं। और जो फल बने रहते हैं, मान लीजिए पौधे में दो चार फल लगे पड़े हैं, वो भी जो है सड़ने लगते हैं, ये प्रॉब्लम इसमें आती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ये रोग फसल में क्यों लगता है। तो ये रोग लगने का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो सफ़ेद मक्खियां होती हैं, इन्हीं की वजह से ये इसके बैक्टीरिया जो है पौधों में फैलते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप इसके जो है रस चूसक कीट के लिए दवाइयों का सही समय पर प्रयोग करेंगे, तो ये बैक्टीरिया बहुत ही कम चांस है कि आपकी फसल में इफ़ेक्ट करे, असर करे, या ये रोग जो है आपकी फसल में लग पाए। तो इसके लिए आपको जो है, आप चाहें तो इमडा क्लोरोप्रिड 17.8% SL इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग हर 15 दिन पे अगर आप स्प्रे करवा रहे हैं इसका, तो ये बैक्टीरिया आपकी फसल में 90% तक नहीं लगने का चांस होता है। 10% चांस है कि लग सकता है, फिर भी यदि जो है आपने 15 से 16 दिन का गैप कर दिया तो शायद लग सकता है ये आपकी फसल में। तो बस आपको इतना सावधानी रखनी है कि कोई भी रस चूसक कीट नियंत्रण के लिए आपको कीटनाशी दवा का, उसके दवा के हिसाब से, उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप उसको जो है प्रयोग करते रहिए, कि ताकि आपकी फसल में रस चूसक कीट का प्रकोप ना हो पाए। यदि आपने रस चूसक कीट का प्रकोप रोक लिया तो आपके फसल में मोज़ेक रोग की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। यदि आपका पौधा जो करेले का है उसके ऊपर का शिरा जो है, उसकी पत्तियां जो नई निकल रही हैं, वो सिकुड़ी हुई निकल रही हैं, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके पौधे में, तो आप तत्काल प्रभाव से इसका इलाज करिए। इसके लिए आप फंगिसाइड और कीटनाशी का प्रयोग करिए, क्योंकि यदि आपके फसल में ये रोग बढ़ गया तो इसको नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप इसमें जो है फंगिसाइड के रूप में टेविकोन जोल 50% प्लस ट्राइफ्लोक्सी स्ट्रोविन 25% WG का प्रयोग आप जो है कर सकते हैं। इसमें दो दवाइयां आती हैं, एक जो है गैस्को आती है, दूसरी नोटुविवा। ये दोनों दवाइयों में यही टेक्निकल होता है, आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या इसी टेक्निकल का आप कोई भी दवा ले सकते हैं, जो आपको आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर हमने टेक्निकल नाम लिख दिया है। कीटनाशी के रूप में आप जो है इसमें कार्बोसल्फान 25% EC दोनों दवाइयों को एक साथ में मिला के प्रयोग करना है आपको। फंगिसाइड जो हमने बताया है उसकी मात्रा आपको 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर, और जो कीटनाशी हमने बता रखा है उसको 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के आपको पूरी फसल पे स्प्रे करना है अच्छे से। यदि आपको टिविकोन जोल 50% प्लस ट्राइफ्लैक्सी स्ट्रोविल 25% WG जो है नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके लिए जो है हेक्साकोन जोल का प्रयोग कर सकते हैं इसके स्थान पे। लेकिन आप हेक्साकोन जोल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब इस रोग का लक्षण आपको शुरुआत में दिखाई दे रहा हो फसल पे। ये काफ़ी जो है, मतलब पूरे पौधों पर अगर इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको, या बहुत अधिक मात्रा में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो है फिर हेक्साकोन जोल से ये नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको इसके लिए टेविकोन जोल 50% प्लस ड्राई फ्लॉक्सी स्टोविन 25%
WG का प्रयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, यदि आपका कोई अन्य प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ आपको देंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।